हाय, ये फोकस बायोलॉजी है और इस वीडियो लेक्चर में मैं वरुण प्रभात मसल प्रोटीन्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। मतलब वो प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा लेक्चर आउटलाइन है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स को बताई गई है। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये होते हैं मायोसिन और एक्टिन, रेगुलेटरी प्रोटीन्स ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन टाइटिन, अल्फा एक्टिनिन, मायोमेसिन, नेब्यूलिन एंड डिस्ट्रोफिन। और अंत में हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। मसल प्रोटीन्स, मायोफाइब्रिस जो होते हैं वो तीन विभिन्न तरह के प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं पहले प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसका काम है फोर्स को उत्पन्न करना। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोटीन, इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको चालू और बंद करना, ऑन ऑफ करना, रेगुलेटरी प्रोटीन का काम है ऑन ऑफ, चालू बंद। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसका काम है फ्रेमवर्क बनाना। मतलब जो हमारा मसल फाइबर है उसके स्ट्रक्चर को बनाना। इसमें आती है नेब्यूलिन, टाइटिन, डिस्ट्रोफिन एट्सेट्रा। हम बहुत सारे प्रोटीन्स को देखेंगे। ये थिक और थिन फिलामेंट्स को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने का भी काम करती है। तीसरी बात कि ये मायोफाइब्रिल को इलास्टिसिटी तथा एक्सटेंसिबिलिटी देती है और मायोफाइब्रिल्स को सार्कोलीमा तथा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने का भी काम करती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। आइए हम इन सारे को, मतलब तीन तरह के प्रोटीन को एक एक कर स्टडी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक कहलाती है मायोसिन और दूसरी एक्टिन। मायोसिन थिक फिलामेंट बनाती है और एक्टिन थिन फिलामेंट। मायोसिन का मॉलिक्यूलर वेट 520,000 होती है। यहां देखिए, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। क्या है मायोसिन का स्ट्रक्चर? ये मोटर प्रोटीन है और ये 6 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। इसमें ये देखिए, ये एक पर्पल कलर की डीप पर्पल और दूसरी लाइट पर्पल है, ये वाली कलर, ये है अल्फा हेलिक्स के लिए। दो ही चेन है, ये दो हैवी चेन, ये अल्फा हेलिक्स, ये सुपर क्वाइल्ड है। और यहां देखिए, यहां पे एक लाइट चेन एक और दूसरी यहां पे, तो प्रत्येक अल्फा हेलिक्स पे, सॉरी प्रत्येक अल्फा चेन्स पे ये दो लाइट चेन्स होते हैं, लाइट चेन्स एसोसिएटेड है। तो दो इस पे और दो इस पे कितने हुए? चार। इसलिए दो हैवी चेन्स और चार लाइट चेन्स, दोनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने हुए? सिक्स।
हैवी चेन्स का मोलिकुलर वेट 220,000 प्रत्येक का, लाइट चेन्स का 20,000 प्रत्येक का, और एक सिंगल थिक फिलामेंट में लगभग 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 300 ये मायोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक सिंगल थिक फिलामेंट में। ये हैवी चेन्स को, अब हम हैवी चेन्स को देखते हैं। हैवी चेन्स में दो एंड्स होते हैं, एक एंड को हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनस, मतलब कार्बोक्सी टर्मिनस एंड, और जो कि टेल वाला रीजन है, और दूसरी रीजन जो यहां पे देखिए हॉकी स्टिक के हेड की तरह है, हॉकी स्टिक के, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ए टर्मिनस, जो पार्ट यहां पे मुड़ा हुआ है, ए टर्मिनस, अमीनो टर्मिनस। इसके दो पार्ट्स होंगे, यहां से लेके यहां तक ये कहलाती है टेल रीजन। इसकी लंबाई 150 नैनोमीटर होती है, और ये वाली पार्ट हेड ये 17 नैनोमीटर के होते हैं, 17 नैनोमीटर के होते हैं। ये जो अल्फा चेन्स होते हैं, अल्फा हेलिसेज, एक दूसरे के अराउंड में रैप्ड होते हैं, और ये लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड क्वाइल फाइबर बनाते हैं। राइट हैंडेड मैनर में नहीं, लेफ्ट हैंडेड मैनर में ही ये क्वाइल होते हैं। अमीनो टर्मिनस ये वाली पार्ट को यहां देखिए, अगर इसको हम ट्रिप्सिन से ट्रीट किए तो ये टूट गए दो पार्ट में, एक वाली पार्ट ये वाली पार्ट, कलाई LMM लाइट मेरोमायोसिन, और ये वाली पार्ट कलाई HMM हैवी मेरोमायोसिन। अगर इसको हम फिर पापेन से ट्रीट किए तो ये दो पार्ट में बन गई, एक कलाई S2 और दूसरी S1। इस S1 में यहां देखिए क्लियर, एक लाइट चेन ये वाली और ये दूसरी वाली लाइट चेन एसोसिएटेड, प्रत्येक पे दो दो। इसीलिए हमने पहले कहा कि प्रत्येक अल्फा चेन पे दो लाइट चेन, इसीलिए चार और दो छः, मतलब चार लाइट चेन और दो हैवी चेन, सिक्स सब यूनिट के बने होते हैं। ये जो रीजन कहलाई ये S1 कहलाती है, या ग्लोब्यूलर हेड कहलाती है, इसको हम मायोसिन हेड ग्लोब भी कहते हैं, ग्लोब्यूलर डोमेन भी इसको हम लोग कहते हैं। ये जो ग्लोब्यूलर डोमेन है इसमें दो पार्ट, दो रीजन्स होते हैं। एक कहलाती है ATP हाइड्रोलाइजिंग साइट, मतलब अगर हम इसको यहां बनावे तो ये सिंपली ये वाला, तो एक जगह दो पार्ट होगी, एक कहलाएगी ATP हाइड्रोलाइजिंग साइट, दैट इज यहां हम AHS से इसको इंडिकेट करते हैं, AHS। और इसमें एक दूसरी भी होती है जो कहलाती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या कहलाती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, ABS, मतलब ये एक्टिन फिलामेंट को ये बाइंड करेगी। तो दो पार्ट हुआ किसमें? ग्लोब्यूलर डोमेन में, S1 फ्रैगमेंट में, ठीक है, मायोसिन के S1 फ्रैगमेंट में। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, ये टेल जो रीजन होते हैं मायोसिन के, ये टेल वाली रीजन है, एक दूसरे से एसोसिएट कर जाती है, यहां पर सिंगल मायोसिन और सिंगल मायोसिन के टेल रीजन एक दूसरे से एसोसिएट करके शाफ्ट का निर्माण करती है। ये पार्ट क्या कहलाई? शाफ्ट, ये शाफ्ट बनाती है। और ये रीजन आप देख रहे हैं छोटा सा उभार की तरह, ये वाली पार्ट उभार की तरह जो है, ये कहलाती है हेड। ये हेड शाफ्ट से निकले होते हैं बाहर की ओर, और स्पाइरल मैनर में निकलते हैं। ये किस तरीके से? स्पाइरल मैनर में, और
एक ये जो एक थिक फिलामेंट है इसको यहां देखिए चारों ओर से सिक्स फिलामेंट सराउंड की रहती है, सिक्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये क्या हुआ एक थिक फिलामेंट बीच वाला, इस साइड भी ठीक। तो एक थिक फिलामेंट सिक्स थिन फिलामेंट द्वारा चारों ओर से सराउंडेड होते हैं। इसको स्ट्रक्चर को रेमंड एंड होल्डन ने डिटरमिन किया था। नेक्स्ट एक्टिन प्रोटीन, ये थिन फिलामेंट का चीफ कंपोनेंट है। किसका? थिन फिलामेंट का। एक्चुअली में जी एक्टिन जी फॉर ग्लोब्यूलर, ये लाइक स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर एक्टिन एक दूसरे से पॉलीमराइज होकर एफ एक्टिन बनाती है। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंट्स, फिलामेंटस एक्टिन, और ये एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होकर एक हीलिक्स का निर्माण करती है। यहां देखिए ये ट्विस्टिंग है, ये आ रही है इस होकर के, देखिए ये आई ऐसे ऐसे, ये वाली फिर ऐसे आई, फिर ये वाली ऐसे आई, तो ये एक दूसरे के राउंड में ट्विस्टेड है और ये हीलिक्स बनाती है। जी एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ये जो जी एक्टिन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये जो है इसी के पास होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मतलब जिसमें मायोसिन बाइंड करते हैं। जी एक्टिन फिलामेंट्स के एंड पे एडेड होते हैं, यहाँ पे दोनों एंड पे। तो ये जो थिन फिलामेंट है उसमें पोलैरिटी होती है, एक एंड को हम लोग प्लस बोलते हैं, प्लस एंड, और दूसरे को माइनस एंड। प्लस एंड पे कैप जेड प्रोटीन होती है, ये कैप जेड प्रोटीन, ये प्लस एंड को स्टेबलाइज करने का काम करती है, यहां इससे इंडिकेट किया गया है कैप जेड प्रोटीन को। माइनस एंड पे टीपीएम, इसको बोलते हैं ट्रोपोमॉड्यूलिन, इसको ट्रोपोमॉड्यूलिन को मैंने टीपीएम द्वारा इंडिकेट किया है यहां पे, ये ट्रोपोमॉड्यूलिन। तो ट्रोपोमॉड्यूलिन कहां होगी? माइनस एंड पे पीएम, यहां देखिए एम और एम, एम ट्रोपोमॉड्यूलिन, एम फॉर माइनस, मतलब थिन फिलामेंट के माइनस एंड पे ट्रोपोमॉड्यूलिन होगी, प्लस एंड पे कैप जेड प्रोटीन, यहां ये प्रोटीन, ठीक है जी डिस्क, ये जो है ये कैप जेड जो प्रोटीन है वो एक्टिन और थिन फिलामेंट को जी डिस्क से अटैचमेंट में मदद करती है, अटैचमेंट करने का काम करती है। इस ये अटैचमेंट में एक्टिनिन, डेसमीन और वाइमेंटिन, एक्चुअली अल्फा एक्टिनिन डेसमीन और वाइमेंटिन, ये तीन प्रोटीन भी हेल्प करते हैं थिन फिलामेंट को जी डिस्क से एसोसिएशन होने में। नाउ